नरेंद्र मोदी सबको एका का संदेश दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम एक साथ मिलकर इस संकट का सामना कर सकते हैं। मेरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेता आखिर समाज के अंदर सांप्रदायिक जहर क्यों बो रहे हैं, और क्या ये नेता ये समझते हैं कि तुम्हारे सांप्रदायिक जहर बोने की वजह से न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की नाक कट रही है, दूसरे देशों में जो हमारे भारतीय बसे हुए हैं उनकी जान को तुम जोखिम में डाल रहे हो तुम्हारे सांप्रदायिक जहर की वजह से। मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं? मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पालघर, महाराष्ट्र के पालघर के अंदर एक शर्मनाक घटना होती है जहां 3 लोगों को भीड़ जो है मौत के घाट उतार देती है। इनमें से 2 हिंदू साधु संत थे। मौत के घाट भीड़ उतार देती है, पुलिस सामने खड़ी खड़ी इस तमाशे को देखती रहती है, एक शर्मनाक नजारा। महाराष्ट्र पुलिस के सिर पर एक जबरदस्त दाग, एक सीधा सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर। मगर मुद्दा यह नहीं है, यह एक सांप्रदायिक मामला नहीं था। मुद्दा क्या था मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मगर मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर इस मुद्दे को किस तरह से तूल दे रहे हैं और सांप्रदायिक आग लगा रहे हैं। आपके सामने ये शख्स संबित पात्रा, हां हां भाई, शिशुपाल वाला संबित पात्रा, कहते हैं महाराष्ट्र के पालघर में 2 संत और उनके ड्राइवर को बड़ी ही बेरहमी से लिंचिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना वीरवार की है। आज तक सारे लिबरल्स पूरी तरह से खामोश हैं, कोई लोकतंत्र या संविधान की दुहाई नहीं दे रहा। देंगे भी क्यों, ये तो संतों की मृत्यु हुई है, पूछता कौन है संतों को। आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था कि कोरोना ना किसी का धर्म देखता है, ना किसी की जाति देखता है, ना किसी का रंग देखता है, ना भाषा देखता है, ना सीमाएं देखता है। हमला करने से पहले हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी, हम एकता और भाईचारे पर हमारा जोर रहेगा, हम इस मुद्दे पर एक साथ हैं। प्रधानमंत्री, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक ऐसे वक्त जब आप कोरोना संकट में भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, आपके अपने पार्टी के नेता, एक मुद्दा जिसका कोई भी सांप्रदायिक लिंक नहीं है, इस मुद्दे का किसी भी सूरत में हिंदू मुस्लिम लिंक नहीं है, इस मुद्दे का किसी भी सूरत में सांप्रदायिक लिंक नहीं है, मगर आपकी पार्टी के नेता और आपके पार्टी का जो IT सेल है वो क्यों जहर फैला रहा है? और क्या बीजेपी इस सवाल का जवाब देगी? जहां यह मॉब लिंचिंग हुई है वो पालघर से 110 किलोमीटर दूर है, गांव है गड़चे नाले। क्या आप जानते हैं कि यहां की सरपंच कौन है? चित्रा चौधरी, जो बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं। सर भाई, मुझे आश्चर्य होता है कि पालघर की घटना की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी अपना स्तर गिरा सकती है। जिस तरह से इसको धार्मिक रंग देने का प्रयास हो रहा है, अभी कुछ देर पहले जहां सही मायने में मॉब लिंचिंग का केंद्र रहा है, उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय कुमार बिष्ट तभी उद्धव ठाकरे जी को फोन करते और जांच की मांग करते। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? पहले तो इसका जवाब इनको ये देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो जो गांव जहां ये घटना हुई, वो दिवशी गढ़चिंचले गांव है, उस वो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। वहां 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का सरपंच चुन के आ रहा है। अभी भी चित्रा चौधरी नाम की जो सरपंच है वो वहां कार्यरत है, वो चुन के आई हुई है। और जितने भी अरेस्ट हुए हैं उनमें 72 जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हम ये प्रश्न उनसे पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरपंच होने के बावजूद, सत्ता होने के बावजूद, वहां के लोगों में आपका प्रभाव होने के बावजूद, आप ये अफवाहों को रोक कैसे नहीं सके, और दूसरी ओर आपने ऐसे जो अंजाम दे रहे थे लोगों को रोका क्यों नहीं? तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को पहले देना पड़ेगा। और आपके 5 साल के कार्यकाल में धुलिया हो या पालघर में ही 2 ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी बहुत सारी अन्य घटनाएं हो चुकी है, उसमें तो आप नाकाम रहे। तो इसकी शर्म आनी चाहिए इसको सांप्रदायिक रंग देने के लिए और राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, और पहले तो जवाब दे उनको बनना पड़ेगा। मगर आज मैं आपके सामने कुछ वायरल संदेश पेश करना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुटों में प्रसारित किए जा रहे हैं। पहला, एक गुप्त सूचना मिली है जिसमें कुछ मुस्लिम ग्रुप जो खुद कोरोना के शिकार हैं उनको यह मिशन दिया गया है कि हिंदू बस्तियों में साधु के वेश में जाएं और हिंदुओं को संक्रमित करें। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को नकली बाबाओं और आध्यात्मिक गुरुओं से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। कोई नया आदमी
साधु की वेश में दिखाई दे तो पुलिस को सूचना दे, कुछ जिहादी साधु के वेश में घूम रहे हैं। सवाल ये कि क्या इस तरह के संदेश जो बीजेपी समर्थित गुटों में वायरल किए जाते हैं, क्या इन साधुओं की हत्या का जिम्मेदार इस तरह के संदेश हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी इस मुद्दे का सांप्रदायिकरण करेगी? आखिर कब तुम अपने झूठे अफवाह तंत्र को बंद करोगे? अब देखिए आपकी स्क्रीन पर इस घटना की हकीकत। क्या आप जानते हैं कि इन तीन लोगों को इस भीड़ ने क्यों लिंच किया था? क्योंकि इस इलाके में बच्चा चोरी को लेकर, चोरी को लेकर एक अफवाह फैली हुई थी, लोगों में जबरदस्त गुस्सा था और ये तीन बेकसूर उसमें फंस गए। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर माहौल किस तरह से ज्वलंत था। तीन दिन पहले एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंद काले और तीन अन्य पुलिस कर्मियों और साथ ही एक डॉक्टर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। लोगों को इस बात का शक था कि ये लोग चोर डकैत हैं। इसी जगह पर तीन दिन पहले ऐसी ही घटना हुई थी, मगर ये लोग बच गए थे। यहां पर एक जबरदस्त अफवाह का माहौल है और आपको समझना पड़ेगा यह माहौल क्यों बना हुआ है। क्योंकि देश एक संकट का सामना कर रहा है जिसके तहत लोगों में जबरदस्त असुरक्षा है, लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ रहा है। ऊपर से तुम लोगों ने जो जमीन तैयार की है मॉब लिंचिंग की, चाहे दादरी में हो, चाहे पहलू खान हो, चाहे ऊना में दलितों के साथ हो, और कुछ लोगों ने इन तमाम मॉब लिंचिंग्स को सही ठहराया है, अपनी सियासत चमकाई है। जो तुमने भीड़ और जमीन तैयार की है इस तरह की भीड़ के लिए, इस तरह के भीड़ तंत्र के लिए, उसी का नतीजा है कि हमारे ये साधु संतों को इस तरह से पालघर के अंदर लिंच कर दिया। शर्म आनी चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को जो इस तरह से जहर बो रहे हैं। और एक बार फिर मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश, जो कह रहे हैं कि कोरोना के संकट में हम सब एक साथ हैं। जब कोरोना हमला करता है तो किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी का रंग नहीं देखता। मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं सुध लेते अपने ही प्रधानमंत्री के इस बयान से, इस खूबसूरत बयान से? क्या अब तुमने प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया है? मैं आपको बताना चाहूंगा इस मुद्दे पर दरअसल क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे और वहां के जो गृह मंत्री हैं। सबसे पहले गृह मंत्री, मुंबई से सूरत जाने वाले तीन लोगों की पालघर में हुई हत्या के बाद मेरे आदेश से इस हत्याकांड में शामिल 101 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, साथ ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस घटना को विवादास्पद बनाकर समाज में दरार बनाने वालों पर भी पुलिस नजर रखेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वहां के होम मिनिस्टर इस बात का संदेश दे रहे हैं कि जो लोग समाज के अंदर नफरत पैदा करेंगे उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिढ़ है? अनिल देशमुख ये संदेश दे रहे हैं कि इस घटना को विवादास्पद बनाकर समाज में जो लोग दरार पैदा करेंगे हम उन पर निगाह रखे हुए हैं। बीजेपी चाहती क्या है? बीजेपी के नेता चाहते क्या हैं कि एक तरफ देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ तुम दंगे शुरू कर दो एक ऐसी घटना को लेकर जिसका कोई सांप्रदायिक लिंक नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा इस मुद्दे पर। पालघर की घटना पर कार्रवाई की गई है, जिन्होंने दो साधुओं, एक ड्राइवर और पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। पुलिस ने घटना के दिन ही उन लोगों, उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस अपराध और शर्मनाक कृत्य के अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उद्धव ठाकरे सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेता किसी और की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री इस तरह का संदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इस तरह से समाज में जहर फैला रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री संदेश क्यों दे रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात में जो भारत के राजदूत हैं उन्होंने वहां बसे भारतीयों को संदेश दिया है और संदेश का लबालब यह है कि आप वहां जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय दें, अफवाह ना फैलाएं,
और साथ ही पैनिक ना फैलाएं, घबराहट ना फैलाएं। अर्ज ऑल द इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स स्टेइंग हियर टू रिमेन सेफ एंड हेल्दी एंड डू नॉट स्प्रेड पैनिक, डू नॉट वेंचर आउट, स्टे पुट वेयर यू आर, स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ COVID-19। अब आप सोचेंगे कि आखिर राजदूत ये संदेश क्यों दे रहे हैं। राजदूत इसलिए यह संदेश दे रहे हैं क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, सऊदी अरब में कई भारतीय जो फंसे हुए हैं वो वहां पर मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं, वो वहां पर बैठे बैठे देश की नाक काट रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि अब वहां पर वहां की सरकारों में जबरदस्त गुस्सा है। आपकी स्क्रीन पर संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी का यह संदेश, ये संदेश दे रहे हैं वो एक ऐसे भारतीय को जो वहां बैठे बैठे हिंदू मुस्लिम कर रहा था और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रहा था। उन्होंने क्या कहा है? द रूलिंग फैमिली इज फ्रेंड्स विद इंडियंस बट एज अ रॉयल योर रूडनेस इज नॉट वेलकम। जो वहां पर सत्ताधारी पार्टी है वो सभी भारतीयों की मित्र है मगर आपकी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल एम्प्लॉइज आर पेड टू वर्क, नो वन कम्स फॉर फ्री। जो लोग यहां काम करते हैं उन्हें पैसा दिया जाता है, कोई फ्री में काम नहीं करता। यू मेक योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दिस लैंड विच यू स्कॉन एंड योर रिडिक्यूल विल नॉट गो अननोटिस्ड। यह मुद्दा क्यों सामने उभर कर आया? क्योंकि वहां पर बसा एक शख्स सौरव उपाध्याय वहां की सरकार का मजाक उड़ा रहा था और उनके जरिए मुसलमानों को टारगेट कर रहा था। बात यहां नहीं रुकी। अब आपके सामने कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ और इस्लामिक अफेयर्स के एक मिनिस्टर अब्दुल्ला अल शुरेखा, इन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? द परसिस्टेंस ऑफ दीज ब्रूटल असॉल्ट्स ऑन मुस्लिम्स इन इंडिया मे रिजल्ट इन बॉयकॉट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स एंड गुड्स बाय मुस्लिम नेशंस। मुसलमानों पर जो लगातार हमला हो रहा है या जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसके जरिए जो भारतीय गुड्स हैं उन पर पाबंदी लग जाएगी। यही नहीं, इन्होंने कहा है कि मुसलमानों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसके चलते जो भारतीय गुड्स हैं उन पर पाबंदी लग जाएगी। यह कुवैत के एक मंत्री कह रहे हैं। अब मैं चाहूंगा एक बार फिर आप पढ़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया था। प्रधानमंत्री इस संदेश में कह रहे हैं कि कोरोना संकट में हम सब एक साथ हैं और यह संकट जब हमला करता है तो आपकी धर्म, आपकी जाति, आपके रंग पर निगाह नहीं डालता। प्रधानमंत्री ये क्यों संदेश दे रहे हैं? और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ये संदेश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और इस तरह के भक्त हमारी नाक काटने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और बयान दिखाता हूं दोस्तों। ये है तेजस्वी सूर्या, बैंगलोर साउथ से बीजेपी के सांसद। ये उनका पुराना बयान है जो उन्होंने एक और शख्स तारिक फतेह के बयान का हवाला देते हुए, ये शायद उन्होंने बहुत पहले बयान दिया था जब वो सांसद भी नहीं थे। इन्होंने क्या कहा था मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 95% अरब औरतें जो होती हैं उन्हें पिछले 100 सालों में ऑर्गेज्म नहीं हुआ है। वह हर औरत जो बच्चे पैदा करती है वो बच्चे प्यार का परिणाम नहीं होते हैं, वो सिर्फ सेक्स का परिणाम होते हैं। इन्होंने हवाला दिया है तारिक फतेह का। नतीजा क्या हुआ? वहां पर जबरदस्त नाराजगी हो गई है। सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप तेजस्वी सूर्या पर कार्रवाई करें। मैं स्पष्ट कर दूं कि तेजस्वी सूर्या का यह बयान पुराना बयान है, मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बीजेपी में जगह क्यों मिलती है? यह बयान पुराना होगा, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि ऐसे लोगों को जगह क्यों मिलती है। प्रज्ञा ठाकुर आपकी सांसद हैं जो कि आतंकी आरोपी हैं, ऐसे लोगों को जगह क्यों मिलती है जो बाद में जाके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की नाक कटवाते हैं? क्या इस सवाल का जवाब किसी के पास है? तेजस्वी सूर्या के इस पुराने बयान को लेकर इस वक्त मध्य पूर्व के कई देशों में नाराजगी है। कई लोग कह रहे हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इसे कभी विदेश मंत्रालय में शुमार किया गया बतौर मंत्री तो हम इसका प्रवेश वर्जित कर देंगे अपने अपने देशों में। बाद में तेजस्वी सूर्या को यू टर्न लेना पड़ा और उन्हें अपने इस ट्वीट को हटाना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। यही नहीं,
कुछ देर पहले मैंने आपके सामने कुछ ट्वीट्स पेश किए थे जिसमें संयुक्त अरब अमीरात या कतर में या कुवैत में बसे कुछ भारतीय जहरीले बयान दे रहे थे, उन्हें भी जब धमकी मिली तो अपने ट्वीट्स इन्होंने डिलीट कर दिए। मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपने वाकई कोई बहुत महान बात की है तो आप उसे हटा क्यों रहे हैं, आप डिलीट क्यों कर रहे हैं? जो वहां पर इस्लामिक कानून है आप उसके हिसाब से कानून का सामना क्यों नहीं करते हैं? आप सावरकर आसनम क्यों कर रहे हैं बताइए। मैं फिर आपके सामने रखना चाहूंगा प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना संकट में हम सब एक साथ हैं, क्योंकि यह संकट ना किसी का धर्म देखता है, ना किसी की जाति, ना किसी का रंग। मगर बीजेपी क्या कर रही है, उसके नेता क्या कर रहे हैं, इनके भक्त विदेशों में क्या कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। अब एक और शर्मनाक मिसाल, क्या आप जानते हैं कि मेरठ के अंदर इस अस्पताल ने जो आपके स्क्रीन्स पर है फरमान जारी कर दिया था कि मुसलमानों का इलाज नहीं होगा। नतीजा क्या होता है कि पुलिस ने इस मामले में अब केस दर्ज कर दिया है, यानी कि जो जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अब अस्पताल भी खुलेआम, और मेरठ यह अस्पताल कहीं किसी गांव कस्बे का नहीं है, मेरठ का अस्पताल है। इनकी बेशर्मी की इस कदर इंतहा कि इस तरह से जहर खुलेआम फैला रहे हैं, पुलिस तक को अब कार्रवाई करनी पड़ी है। आज मैं आपसे सवाल यही तो पूछ रहा हूं कि हम कहां रुकेंगे, कहां थमेंगे, यह जहर हम कितना फैलाएंगे? अगर इस तरह से हम जहर में लबरेज रहेंगे, सराबोर रहेंगे, तो हम इस संकट का सामना कैसे करेंगे? यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं, यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं, जो कि अतीत में कई विवादास्पद बयान दे चुके हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनका पुलिस आखिर मीडिया को क्यों एक्सपोज कर रही है? वो इसलिए एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं हमारी प्राथमिकता है कोरोना संकट का समाधान, हमारी ये प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता ये नहीं है कि अभी समाज के अंदर दंगे फैल जाएं, और ये मीडिया इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। मैं आपको पहले भी मिसाल दे चुका हूं, एक बार फिर मिसाल देता हूं। इंडिया टीवी ने यह खबर चलाई थी कि किस तरह से यह तबलीगी जमात का नेता जो है थूकने की वकालत कर रहा है। बाद में ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की और पता चला कि वीडियो बहुत पुराना है, साल 2017 का है। इंडिया टीवी को शर्म के मारे अपनी इस स्टोरी को हटाना पड़ा। आपको याद है इंडिया टुडे का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसके अंदर उनकी कुछ रिपोर्टर्स एक मदरसे के अंदर घुसे और यह कहा कि ये जो बच्चे यहां फंसे हुए हैं, कोरोना संकट को लेकर जो नियम कानून है उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई थी। उसमें मैंने कुछ सवाल पूछे थे। नंबर एक, इन बच्चों को उनके घरों तक कैसे पहुंचाया जाता अगर ये लोग यहां नहीं रहते? क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी और सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था, तो कितने ही मजदूर, गरीब मजदूर अपने बच्चों को अपने कंधों पर टांगे दिल्ली से बिहार तक के लिए निकल गए थे। ये न्यूज चैनल्स क्या चाहते हैं कि इस तरह से ये गरीब बच्चे, मदरसे के गरीब बच्चे सड़कों पर निकल जाते? अब न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल आपके सामने है। न्यूज लॉन्ड्री की इस पड़ताल में यह बात सामने उभर कर आई है कि जो भी दावे किए गए थे इसमें वो सरासर झूठे हैं, और यह दावा कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के मुलाजिम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुलाजिम न्यूज लॉन्ड्री की इस खबर के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जिस तरह के दावे स्टिंग ऑपरेशन में किए थे वो सरासर गलत थे। तो क्या इंडिया टुडे इस सवाल का जवाब देगा कि इस वक्त आपको स्टिंग ऑपरेशन करने की क्या जरूरत थी? बताइए। आज हमारी मीडिया, सत्ताधारी बीजेपी के कुछ छुटभैया नेता सरासर कोरोना संकट के खिलाफ हमारी जंग को कमजोर कर रहे हैं। न सिर्फ कमजोर कर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ भी कमजोर कर रहे हैं। वो संदेश एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर, और यह संदेश मैं आपको क्यों बार बार दिखा रहा हूं, ताकि आप समझ जाएं कि कोरोना संकट का हल हिंदू मुस्लिम करके नहीं होने वाला है। ये जो तमाम मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं वो सिर्फ देश के माथे पर बदनामी लगा रही हैं और कुछ नहीं। ये सरल सी बात आप कब समझेंगे?
खैर बेबाक में बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।